नमस्कार, स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज़ में। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने की तैयारी हो चुकी है। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 2 अरब डॉलर का धोखाधड़ी करने का आरोप है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा करने वाले हैं। उनके इस यात्रा से ठीक पहले देश की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर दस्तखत कर दिए हैं। ऐसे में चारों ओर अभी प्रीति पटेल की चर्चा हो रही है। भारतीय मूल की प्रीति पटेल ब्रिटेन की सबसे शक्तिशाली मंत्रालय कहे जाने वाले गृह मंत्रालय को संभाल रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कौन है प्रीति पटेल। ब्रिटेन की पहली ब्रिटिश भारतीय कैबिनेट मंत्री और पहली गुजराती महिला सांसद प्रीति पटेल ने ब्रिटिश राजनीति में शीर्ष तक पहुंचने के लिए कई बाधाओं को पार किया है। 2016 में वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेक्रेटरी नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कैबिनेट मंत्री बनी। जुलाई 2019 में 48 वर्षीय प्रीति पटेल ने तब इतिहास रच दिया जब उन्हें बोरिस जॉनसन ने देश का गृह मंत्री बनाया। ब्रिटिश सरकार के सबसे ऊंचे ओहदे वाले पद तक पहुंचने वाली वो सबसे वरिष्ठ भारतीय मूल की सांसद थी। ब्रिटेन में गृह मंत्री का पद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। इस पद से ऊपर सिर्फ प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का पद ही होता है। इस तरह प्रीति को ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा, अपराध, आतंकवाद और इमिग्रेशन जैसे मुद्दों को देखना है। साथ ही उन्हें नीरव मोदी के प्रत्यर्पण से जुड़ा फैसला भी लेना था। पटेल एक वर्किंग क्लास परिवार से आती है। उनका परिवार 20वीं सदी के शुरुआत में गुजरात से युगांडा चला गया था। हालांकि युगांडा में सैन्य तानाशाह इदी अमीन की निरंकुश सरकार ने भारतीयों को देश छोड़कर जाने का आदेश दिया। इसके बाद पटेल के पिता सुशील और मां अंजना युगांडा छोड़कर 1970 में ब्रिटेन आ गए। पटेल के माता पिता हर्टफोर्ड शायर में बस गए। यहीं पर प्रीति ने अपनी शुरुआती शिक्षा शुरू की। उन्होंने बैटफोर्ड ग्रामर स्कूल में शिक्षा हासिल की। इसके बाद वो कील यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र पढ़ने गई। यहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेस से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। प्रीति पटेल ने मार्केटिंग सलाहकार एलेक्स टायर से शादी की है। इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम फ्रेडी है। हालांकि 2010 में सांसद बनने और ब्रिटिश राजनीति में सक्रिय रहने के दौरान कई दफा पटेल को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। नवंबर 2017 में एक निजी छुट्टी के दौरान इजराइल मंत्रियों के साथ अनाधिकृत बैठक करने पर उन्हें इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेक्रेटरी का पद गंवाना पड़ा। वहीं प्रीति पटेल मार्गरेट थैचर को अपना हीरो मानती हैं। वो ब्रेग्जिट की कट्टर समर्थक रही हैं और उन्होंने हाल ही में विंस्टन चर्चिल को स्वतंत्रता का सबसे महान संरक्षक भी बताया था। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे सीटीडी न्यूज़। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।